हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडमी नोट 4 के बारे में बताऊंगा कि हाउस मैम एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा है रेडमी नोट 4 यूज़ करके। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने एक महीना पहले ही फ़ोन मेरा एक महीना हुआ भी नहीं है मेरा पूरा अच्छी तरह से, फिर भी मैं इतना बता सकता हूँ कि फ़ोन बहुत अच्छा है। इसके फीचर्स, कैमरा क्वालिटीज, आप इतना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें कभी भी लैग नहीं करेगा, और इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, और कभी भी आपको हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लैग करता है कभी कभी, बट हाँ फिर भी अच्छा। आप 11,000 के अंदर आप इतने सारे आप फीचर आप पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो मैं वो फिज़िकली बताता हूँ कि ये क्या क्या फीचर्स रेडमी नोट 4 ने दिए हैं। सबसे पहला सेटिंग्स खोल लिया मैंने, सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन दे दी। हाँ, और एक और बात, आज के डेट में मतलब 16 अगस्त को मैंने आज अपडेट चेक किया फ़ोन का, तो आज मैंने एंड्रॉयड नवगार्ड का अपडेट भी मैंने देख लिया, 1.5G का है, जो कि मैं अपडेट कर लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एंड्रॉयड नवगार्ड का क्या फीचर्स है, आफ्टर इंस्टॉलिंग कैसा आपको ये लगा, मैं वो सब बताऊँगा। उससे पहले मार्शमेलो है, तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या फ़ीचर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे अबाउट फ़ोन पर क्लिक किया, मॉडल नंबर देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं कि अभी ये मार्शमेलो है, जो कि मैं कल या परसों में मैं ये आपको एंड्रॉयड नवगार्ड अपडेट कर ही लूँगा, वो मेरा अपडेट आ चुका है। तो देख सकते हैं कि रैम 3GB। बेसिकली आपको एक बात बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे या फिर कहीं से भी आप ले रहे हैं फ़ोन, तो बेसिकली आप चेक कर लें कि आप कौन सा ये ले रहे हैं, उसके फीचर पूरा देख लें कि हाँ ये ठीक है या नहीं ठीक है, 2GB 3GB ठीक है। अगर आपको गेमिंग पूरा ये चाहिए तो आप प्लीज़ 3GB वाला ही, आप या आपको ज़्यादा पैसा है तो आप फुल ये 4GB वाला रैम वाला भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आप 3GB में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 32GB टोटल देता है, जिसमें 24 GB आपको देगा इंटरनल मेमोरी और बाकी का जाता है आपको इंटरनल मेमोरी में। तो रैम आपने देख लिया 3GB यहाँ का है, तो आप सिस्टम अपडेट पर देख सकते हैं कि मेरा अपडेट भी आ चुका है, ये देखा आपने, ये अपडेट आया हुआ है मेरा एंड्रॉयड नवगार्ड का 1.3GB का, जो मैं इस वीडियो के बाद मैं अपडेट कर लूँगा पूरा अच्छे से, और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए एक और फीचर यहाँ का, आप मिनिमाइज़ किया और आपने एक टच में आप पूरा आप ये बंद कर सकते हैं सब कुछ, बाकी सभी फ़ोन में आप देखा होगा कि एक बार एक कर करके आप पूरा ये हटा रहे हैं, इसमें ये नहीं है, एक बार में पूरा आप हटा सकते हैं और कभी भी लैग नहीं करता, सबसे बड़ी ये बात लैग नहीं करता है। आपको बता देता हूँ कि मैंने कितना ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, फिर भी जब भी आप इसको मिनिमाइज़ करके कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये पहले के तरह ही आपको फास्ट मिलेगा, ना कि थोड़ा लैग करेगा। हाँ, कभी कभी आप एक्सप्लोरर खोलते हैं तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज़ ये पूरा आने में, देखिए अभी तो बहुत फास्ट आ गया, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, जो कि एंड्रॉयड नवगार्ड जो अपडेट दिया है उसमें मैंने देखा है कई सारे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ फिक्स करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन बहुत अच्छा है, बेसिकली आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं कि आप इस फ़ोन से HDR यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे HDR का ऑप्शन भी है, तो फुल HD आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, फ्लैश सब कुछ, 13MP का बैक कैमरा और फ्रंट 5MP का है, बहुत अच्छा फ़ोटो आता है HDR। हाँ, बेसिकली आपको ये बता देता हूँ कि रेडमी नोट 4 का कैमरा क्वालिटी बहुत गजब का है, आप किसी के भी कंपैरिजन ले लीजिए। अभी मैंने मोटो E4 प्लस का एक मैंने फ्रेंड का देखा, उसका कैमरा क्वालिटी भी मैंने ठीक लगा, बट एक जो ऑप्शन है ये रेडमी नोट 4 का कि आपको फ्रंट ये देख सकते हैं कि यहाँ पे HDR का ऑप्शन आ रहा है,
ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में फोटो क्लिक करता है और बहुत मतलब क्लियरिटी होता है फोटो का। आप देख सकते हैं मैंने फोटो भी क्लिक करके रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको ये फोटो। ये फोटो देखिए मैंने उसी से लिया था। इसका एमबी भी बहुत अच्छा खासा है, 1.42 के अप्रोक्स में ऐसा क्वालिटी फोटो आता है आपका। मतलब आप कैमरा क्वालिटी इतना गजब का है मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो गेम वेम खेलता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन हाँ फिर भी अब फ़ोन कभी लैग नहीं करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कभी अब ये सुनेंगे नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि नया अपडेट जो निकाला है उसे पूरा अच्छे तरह से फिक्स किया हुआ मैंने देखा है, ठीक है। और एक और बात इस फ़ोन के बारे में कि इसका बैटरी बैकअप, यार इसका बैटरी बैकअप मैं सच्ची बताऊँ 1.5 डेज अच्छे से मैं यूज़ करता हूँ तो 1.5 डेज पूरा अच्छे से चल जाता है। मतलब 1 दिन और 12 घंटा अप्रोक्स इतना है। और एक और बात इसका चार्जिंग, चार्जिंग इसे मैंने अभी चार्ज किया तो चार्ज में तो कल रात या परसों रात करना पड़ेगा ऐसा है। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि इसकी फ़ोन के बारे में कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं। MI रिमोट भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये तो है नहीं, सेटअप करना पड़ेगा वो मैं किया, मैंने किया नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि इस फ़ोन को आप जितना चाहे उतना यूज़ करें, बैटरी कभी भी गर्म नहीं होगा। जैसे पिछला Xiaomi के फ़ोन में आपने देखा या सुना होगा कि फ़ोन बहुत हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था उसमें टेम्परेचर मैंने देखा था 46 to 48 डिग्री टेम्परेचर था। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी जो चार्ज होता है, मैं कोई भी चीज़ दिखा देता हूँ कि ये सिक्योरिटी टाइप हो जाता है। यहाँ पे देखिए बैटरी 92% है, ठीक है। तो ये 14 घंटा 43 मिनट का यूसेज टाइम बता रहा है, लेकिन ये इस उससे भी ज़्यादा है। मैं आपको सीरियली बताऊँ ये उससे भी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 36 डिग्री है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ कि आप चार्ज करते हैं फ़ोन तो गर्म फ़ोन हो जाता है, बिकॉज़ अब प्लग किए हुए हैं अब आधा घंटा, मतलब ये फ़ोन मिनिमम आपको दो घंटा तो नहीं, 1 घंटा 45 मिनट पूरा अच्छे से फुल चार्ज में लगता है फुल चार्ज होने में लगता है बेसिकली। और हाँ इसकी आप यहाँ पे आप MI स्टोर में जाके इसके MI का हेडफोन भी ऑर्डर करके देख सकते हैं। मैंने एक हेडफोन से गाना सुना, इतना गजब का ये हेडफोन था। इसका गाना क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी तो आप जान ही लिए, वीडियो क्वालिटी भी इस फ़ोन में 1920x1080p जितना आपको देखना है आप देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी फुल HD वीडियो जितना आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ कि वीडियो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। जो एक एक बात और बता देता हूँ कि इसमें रेडमी नोट 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ मैंने मोटो E4 Plus में एक चीज़ देखा है कि हाँ वीडियो थोड़ा लैग करता है। 1920 मैंने वीडियो प्ले किया था वो थोड़ा लैग कर रहा है, मैंने एक फ्रेंड का चेक किया था तो लैग किया था। तो अभी मार्केट में आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि देखिए जो मार्केट में है वही लेना चाहिए, सिंपल बात। तो मोटो E4 Plus के बारे में मेरा रिव्यू पढ़ा, जब मैंने फ़ोन लेने के बारे में सोचा तो मैंने सबसे अच्छा मेरे को रेडमी नोट 4 ही लगा तो बेसिकली आपको मैं एंड्रॉयड नॉट अपडेट के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लेने से पहले आप प्लीज़, और एक और बात इसको आप यहाँ पे जाके अबाउट फ़ोन में जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका फ़ोन इसे पहले यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, ये सबसे सबसे बड़ी बात है। आप कर्नल वर्जन पे क्लिक करते रहिए, ये देखिए प्लीज़ स्विच द मैग्नेट क्लोज टेस्टिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन पहले कभी यूज़ भी हुआ है या नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस फ़ोन के साथ मिनिमम आप बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज मैंने पिछला मेरा पिछला फ़ोन जो था वो उस सैमसंग का था जो कि मेरे को बहुत निराश किया। तो ये मैंने फ़ोन लिया है
तो इसका इसका मेटालिक बॉडी यार बहुत गजब का लगता है सीरियसली में। आप कंपैरिजन करेंगे मोटो E4+ का तो वो बहुत ही भारी सेट है, मैंने देखा है उसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिंपली बता देता हूँ। भले वो बोल देते हैं कि आप 15 MP 8 MP फ्रंट दे रहा है या बैक दे रहा है, आप क्वालिटी पे अगर देखिए कैसा क्वालिटी वो देता है, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखें, आप पूरी तरह से देखें, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें लाइक, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि क्या मैं आपको हेल्प, जहाँ तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई फ्रेंड्स, थैंक यू।